तो मेरा नाम इंजीनियर है और आप देख रहे हैं करियर इन्फोविज इंस्टीट्यूट। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अपने स्कूल्स की कुछ पिक्चर्स आपको इस वीडियो में डिस्प्ले करूंगा, क्योंकि काफी सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि यूट्यूब के माध्यम से स्कूल्स की पिक्चर और स्कूल्स की फोटोज की डिमांड करते हैं। तो आज वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ हमारी जो स्कूल की वेबसाइट है, करियर डिफेंस स्कूल डॉट कॉम, www.careerdefensschool.com। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा और यहाँ से आप इस सारी एग्जाम डिटेल्स देख सकते हैं और यहाँ पे आपको सारी एडमिशन की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पे आपके लिए गैलरी का ऑप्शन आता है, जहां पर जाकर के आप डायरेक्टली स्कूल्स की सारी पिक्चर्स देख सकते हैं। जैसे अभी से हमारे यहाँ पे एक स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, तो मैं आपको बता दूं काफी बड़े लेवल पे ऑर्गेनाइज किया था। और ये जो फोटो में आप देख रहे हैं, ये कर्नल विशाल अत्री जी हैं। तो इन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज, ये मैराथन इवेंट एक ऑर्गेनाइज किया था। और क्योंकि हम लोग बच्चों को फिजिकल की भी तैयारी करवाते हैं, रिटन की भी तैयारी करवाते हैं सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल की, तो ये जो इवेंट है ये कर्नल विशाल अत्री सर के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। और इसमें काफी सारे बाहर से भी बच्चे आए थे और हमारे स्कूल के बच्चों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। अगर मैं बात करूं हॉर्स राइडिंग एक्टिविटी, तो आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे, मैं आपको बता दूं कि हर वीकेंड यानी सैटरडे संडे को हॉर्स राइडिंग की जो एक्टिविटी है ऑर्गेनाइज की जाती है, जिसमें जो छोटे बड़े बच्चे हैं, हर तरह के जो बच्चे हैं, उनको परफॉर्म के लिए, चाहे बॉयज हैं गर्ल्स हैं, सभी बच्चों के लिए अवेलेबल है। और हम लोग क्या करते हैं, जानबूझ करके, ताकि छोटी एज से ही, क्योंकि आगे चल के बच्चों ने आर्मी में ज्वाइन करना है, तो आपको ये चीज समझना है कि हॉर्स राइडिंग, शूटिंग, स्विमिंग, ये हर तरह की ट्रेनिंग इतनी मिनिमम फीस में, आपको हमारा टारगेट होता है कि एक मिनिमम टू मिनिमम फीस में हम लोग आपको हर तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये स्मार्ट क्लासरूम की फोटो है, आप देख सकते हैं। और आपको ये जानकर बहुत ही खुशी होगी कि हमारे स्कूल में हर क्लास के अंदर आपको स्मार्ट क्लासेस मिल जाएंगी। सॉरी, तो मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी आप देख रहे हैं, ये हमारा सेमिनार हॉल है, जहां पे करीब करीब 400 बच्चे एक साथ बैठ करके जो है स्मार्ट क्लासरूम का मजा ले सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हमारे स्कूल में हर क्लास में स्मार्ट क्लासरूम लगे हुए हैं। तो इंडिया में मैं आपको बता दूं कि एक अच्छे से अच्छे स्कूल्स के अंदर भी हर क्लास के अंदर स्मार्ट क्लासरूम नहीं होते हैं, लेकिन हमारे स्कूल में एक बेस्ट चीज यही है। और आगे चलते हैं, ये जो पीटीएम हमारे यहाँ पे क्या होता है, हर महीने पीटीएम ऑर्गेनाइज होता है, हर महीने छोटे बच्चों की जो पीटीएम होती है वो सेकेंड सैटरडे को, और जो बड़े बच्चे हैं उनकी पीटीएम होती है फोर्थ सैटरडे को। और पीटीएम की खासियत यही है कि जो भी पीटीएम कंडक्ट की जाती है उसका हम लोग सारा वीडियो शूट, फोटो शूट करते हैं और उसको हम लोग यूट्यूब पे भी डालते हैं, और जो भी पेरेंट्स का फीडबैक होता है उस फीडबैक के ऊपर काम करते हैं। काफी इजी हो जाता है हमारे सिस्टम में, क्योंकि हमारे यहाँ पे हर महीने पीटीएम होती है और हर 15 दिन के अंदर छोटे बड़े बच्चों की पीटीएम होती है, जिससे क्या होता है कि स्टूडेंट का जो परफॉर्मेंस है वो पेरेंट्स को रेगुलर मिलता रहता है। ये इंडिपेंडेंस डे की फोटोज हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था और डिफरेंट डिफरेंट कल्चरल एक्टिविटीज परफॉर्म किया था। यहाँ पे पेट्रोटिक सॉन्ग्स वगैरह में देशभक्ति के गाने चलाए गए थे, जिसमें अलग अलग बच्चों ने परफॉर्मेंस दिया था। और इस तरह की एक्टिविटीज भी कराई जाती है, खासकर हमारा जो फोकस होता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 6 महीने में पढ़ाई का जो स्पीड होता है, प्रेशर होता है, वो हम बढ़ा देते हैं। और बाकी जो शुरू के 6 महीने होते हैं उसमें बच्चे जो होते हैं 8 से 10 घंटे डेली बेसिस पे स्टडीज करते हैं। ये प्रेयर करते हुए बच्चों की फोटो है, आप देख सकते हैं, क्योंकि ये ट्रैक सूट है बच्चों की, जो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म में बच्चों को प्रॉपर ट्रैक सूट प्रोवाइड किए गए हैं। और तो आप देख सकते हैं ये पूरी ड्रेसेस हैं, इसमें हमारे पास जो बच्चे हैं वो फर्स्ट क्लास से लेकर के, मैं आपको बता दूं कि 9th 10th लेवल तक के स्टूडेंट्स जो आते हैं हमारे यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए, तैयारी करने के लिए आते हैं, एनडीए की तैयारी करने के लिए। और आगे चलते हैं, और मैं आपको बता दूं कि ये जो आप देख रहे हैं, हमारे यहाँ पे हर महीने अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, शुरू के 6 महीने हमारे बच्चों को हर महीने एजुकेशनल ट्रिप पर हम लोग लेके जाते हैं। तो हमारे यहाँ पे बच्चे गुरुकुल कुरुक्षेत्र में लेके गए थे, सैनिक स्कूल में लेकर के गए थे इस साल बच्चों को, इसके अलावा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल में लेके गए थे। ये पिंजौर की फोटो है, तो वहां पे हम लोग जो है हर मंथ, मैं आपको बता दूं कि अप्रैल से लेकर के
अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, टोटल 6 महीने जो होता है, हमारा टारगेट होता है कि शुरू के 6 महीने बच्चों को मजा आए और बच्चों को, क्योंकि बच्चे घर से दूर रहते हैं तो हर तरह की एक्टिविटीज के ऊपर आपको पिक्चर्स मिल जाएगा। ये जो सेमिनार, क्योंकि मैं वीकली हर हफ्ते में आपको बता दूं कि मैं स्कूल में जाता हूं और काउंसलिंग सेमिनार जो है वो ऑर्गेनाइज करता हूं, तो जब भी पेरेंट्स वगैरह आते हैं तो पीटीएम में भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये वो फोटोज हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स हैं जहाँ पे मैं काउंसलिंग सेमिनार, और ये हमारा सेमिनार हॉल है, तो यहाँ पे मैं गाइड कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि किस तरीके से बच्चों को स्मार्ट क्लासेस के ऊपर पढ़ाया जाता है, किस तरीके से उनकी काउंसलिंग वगैरह हम लोग करवाते हैं। तो ये जो फोटोज मैंने आपको दी है, ये है हमारी जो कि मैं हर वीक जो मैं मोटिवेशनल सेमिनार्स लेता हूँ। आगे हम लोग बात करें तो ये हमारे स्कूल के कुछ बेस्ट परफॉर्मेंस बच्चे हैं जो एकेडमिक्स में, स्पोर्ट्स में, अलग अलग डिफरेंट एक्टिविटीज में जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, उनकी हमने फोटोज डाली है, क्योंकि ये पेरेंट्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए एक मोटिवेशन का सोर्स होता है और कोशिश यही रहती है कि बच्चों को मोटिवेट किया जाए, क्योंकि देखिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये सभी के लिए जरूरी है, ये आपके लिए भी जरूरी है, ये स्टूडेंट के लिए भी जरूरी है, ये मेरे लिए भी जरूरी है, क्योंकि हर आदमी बहुत मेहनत कर रहा है, रिजल्ट आपके भी हाथ में नहीं है, रिजल्ट हमारे हाथ में भी नहीं है। ये आप देख सकते हैं, यहां से मैं आपको कुछ डिफरेंट, कई बार लोग कैंपस का व्यू मांगते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फोटोज मांगते हैं, तो यहां से आप देख सकते हैं ये पूरे कैंपस की फोटोज हैं, और जहां से आपके लिए थोड़ा सा और इजी हो जाएगा देखना, तो क्योंकि कई बार पेरेंट बहुत ज्यादा यूट्यूब के ऊपर डिमांड आती है कि सर आपके स्कूल का जो फोटोज वगैरह है वो दिखाइए, तो मैंने कहा क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए, और ये रात की फोटोज हैं, और आपको ये जान के बहुत ही खुशी होगी कि हमारे पास दो दो स्कूल्स हैं, एक ईमैक्स कैंपस है, एक हमारे पास करियर डिफेंस कैंपस है और सीबीएसई एफिलेटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल है। तो अगर आप अपने बच्चों को तैयारी करवाना चाहते हैं डिफेंस फोर्सेस की, तो ये आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। ये आप देख सकते हैं पीटीएम की फोटोज है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे यहाँ पे पीटीएम होता है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, उसका पूरा फोटोशूट और वीडियो शूट कराया जाता है, तो जो भी पेरेंट्स हमारे यहाँ आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं पीटीएम में, ये उन पेरेंट्स की, फादर मदर की फोटोज है और स्टूडेंट्स की भी फोटोज है, तो आप लोग देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि पेरेंट बहुत दूर दूर से आते हैं, और ऐसा कोई स्टेट नहीं होगा जहां से मेरे पास बच्चा नहीं होगा। ये सबसे एक पॉजिटिव पॉइंट लगता है मुझे कि हर स्टेट से हमारे यहाँ बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं। ये कुछ कल्चरल एक्टिविटीज हैं जो कि समय समय पे ऑर्गेनाइज की जाती हैं, कभी रक्षाबंधन के दिन, कभी होली, दिवाली, दशहरा में, बच्चों के मोटिवेशन के लिए, ताकि बच्चे खुश रहते हैं, क्योंकि माँ बाप चाहते हैं पढ़ाई लिखाई बच्चा सिलेक्ट हो जाए, लेकिन स्टूडेंट को हर चीज चाहिए। पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि सिर्फ मार मार कर पढ़ाना लिखाना ही जरूरी नहीं है, हर तरह की एक्टिविटीज। आप देख सकते हैं कि ये जो बच्चे हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, सारे फिफ्थ क्लास के बच्चे हैं। तो स्कूल में बहुत कुछ होता है, बट मैं यही कहूंगा कि आप आइए, जब आप लोग आते हैं, खुद पेरेंट्स से, स्टूडेंट से मिलते हैं, तो वो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये आप देख सकते हैं, कई बार मेस की डिमांड करते हैं लोग। आपको मैं बता दूं कि बहुत बड़ी मेस है, करीब 500 बच्चे एक साथ बैठ करके लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, बहुत बड़ी मेस है, और अंदर जो है वो बहुत बड़ी मेस बनाई हुई है, क्योंकि बच्चे काफी ज्यादा हैं और डिफरेंट डिफरेंट स्लॉट्स में डिवाइड करके, बॉयज का अलग टाइम टेबल है, गर्ल्स का अलग टाइम टेबल है। ये आप देख सकते हैं, गुरु पर्व था, अभी गुरु पूर्व था, तो उस टाइम, ये उस समय की कुछ फोटोज हैं, पिक्चर्स हैं, और आपको मैं बता दूं कि ये हमारे स्कूल के पास में गुरुद्वारा है, तो बच्चों का वहां पे जो है कीर्तन वगैरह करवाया गया था समय समय पर, जो छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं, कई बार पूजा वगैरह भी करवाते हैं, कई बार हवन वगैरह भी करवाते हैं, गुरुद्वारे भी लेके जाते हैं, सभी धर्मों के बच्चे हैं और हम लोग भी बड़ा एंजॉय करते हैं, टीचर्स स्टाफ सारे इन्वॉल्व रहते हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि टीचर्स की भी फोटोज हैं और स्टूडेंट्स की भी फोटोज हैं, तो ये सारी एक्टिविटीज जो है इस साल की हैं, कहीं आप लोग ऐसा ना सोचें कि ये पिछले 10 सालों की फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इसमें कई जगह पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डेट भी डाली हुई है। ये आप देख सकते हैं जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं, जो स्टार परफॉर्मर्स हैं, जो अच्छे परफॉर्म करें उनको सर्टिफिकेट दिए गए हैं, उनको इसमें काफी सारे बच्चे जो हैं वो एकेडमिक्स परफॉर्मर हैं, कुछ स्पोर्ट्स परफॉर्मर हैं, हमारे लिए दोनों ही बेस्ट हैं, और हमारे स्कूल में स्कॉलरशिप दिया जाता है।